हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगा जो ओशो, रजनीश ओशो जी, इनके लाइफ से रिलेटेड है। इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ, आप में से अधिकतम लोग जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, जो भी ओशो जी के फैंस होंगे, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं गुस्ताखी की इस टॉपिक पे बात करने की। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था इस टॉपिक पे बात करने से पहले। जितना मैं समझ पाया उनके उस टॉपिक को लेके, उतना ही मैं कहने की कोशिश करूँगा। एंड वंस अगेन आई एम रियली वेरी सॉरी इफ़ आई हर्टेड योर फीलिंग्स। तो आज का टॉपिक है कि जो सबसे कंट्रोवर्शियल मैं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी अगर आ जाए तो ये आपको सही लगेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो ये जो टॉपिक था उनका, संभोग से समाधि, लिटरल मीनिंग की सेक्स से आप ट्रांस या समाधि में अचीव कर सकते हो, तो ये उनका टॉपिक था। समाधि का जो परसेप्शन था मेरा, एक अलग ही परसेप्शन था मेरा, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी है बड़े बड़े सेंट्स सेजेस की, और उन्होंने जो भी समाधि की अवस्था बताई, यहाँ तक कि परमहंस योगानंद, उन्होंने समाधि अवस्था लिटरली डेमोन्स्ट्रेट की है। उनका वीडियो आप YouTube पे देख सकते हो। यहाँ तक कि रमन महर्षि जैसे सेजेस भी। तो जब ध्यान में जब आप जाते हो, ध्यान अवस्था में जब आप जाते हो, तो आपकी हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट जो है काफ़ी मिनिमल रहती है, लेट से 4 to 5 ब्रीथ्स पर मिनट। और जब आप ध्यान से समाधि अवस्था में जाते हो तो और भी कम हो जाता है। लिटरल मीनिंग की समाधि मीन्स वन होना, जो भी आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, लेट से आप कोई भी किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हो, उसके साथ आप वन हो रहे हो। तो जब आप वो एक्सपीरियंस करते हो समाधि स्टेट, तो आपका बॉडी कॉन्शियसनेस लूज़ हो जाता है, मीन आपका जो ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट, जो भी फंक्शन कर रहा है वो और भी मिनिमल हो जाता है, और लो हो जाता है, लेट से 1 to 2 ब्रीथ्स पर मिनट। कभी कभी ऐसा स्टेट होता है कि ब्रीदिंग भी ज़ीरो हो जाती है, हार्ट बीट भी ज़ीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट लाइक डेड हो जाता है वो उस पर्टिकुलर स्टेट पे। तो ये समाधि की अवस्था होती है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि समाधि अवस्था में ऐसा कुछ होता है। क्योंकि इसका अगर मैं डीप एक्सप्लेनेशन दूँ, क्योंकि ध्यान में आप मन के परे जाते हो, और जब आपका माइंड एक्टिव रहता है तो मन आपकी बॉडी पे कंट्रोल करता है, आपकी ब्रीदिंग आपके हार्ट बीट पे कंट्रोल करता है, लेकिन जब आप मन के परे जाते हो तो बॉडी कॉन्शियसनेस लूज़ हो जाता है और आपका हार्ट बीट और हार्ट, आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो कम हो जाता है। लेकिन जो टॉपिक है संभोग से समाधि, ये मैं कुछ इस तरह रिलेट करूँगा कि ये जो मेरा पिछला वीडियो था कि आप अपने माइंड को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, तो काफ़ी हद तक ये उससे मिलता जुलता, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं दावे से नहीं कह सकता, जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया, जितना मुझे परसीव हुआ, उतना मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ।
संभोग, उनका जो टॉपिक था संभोग से समाधि, उनका टॉपिक ये नहीं था कि संभोग के वक्त या संभोग के दौरान समाधि। संभोग करते वक्त जब आप सेक्स या फिज़िकल इंटरकोर्स करते हो तो आपकी ब्रीदिंग रेट, हार्ट बीट, फास्ट हार्ट बीट करती रहती है, क्योंकि आपका जो है बॉडी कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा ज़्यादा ध्यान रहता है। आपका लस्ट, आपके जो लस्ट है मोस्ट पावरफुल इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाता है, और जब आप फिज़िकल इंटरकोर्स या जब संभोग करते हो तो हार्ट बीट और ब्रीदिंग रेट काफ़ी तेज़ हो जाती है। लेकिन उनका टॉपिक है संभोग से समाधि, मींस संभोग करने के बाद की अवस्था, मींस संभोग इतने बार करो, मींस उन्होंने उनका कहने का, ऐसा मैं समझता हूँ कि उनका कहने का मतलब था कि माइंड को एक्सपोज करो सेक्स को, सेक्स को लेके, और इतना करो कि करने के बाद भी जो सेक्स है, ये जो फिज़िकल नीड है, ये टेम्परल नीड है, टेम्पररी सेटिस्फेक्शन देगा, ठीक है। और अपनी जो बॉडी है, जो माइंड है, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, एवर लास्टिंग खुशी ढूंढ रही होती है, जो कि फिज़िकल नीड में कभी नहीं मिल सकता। तो संभोग इतना करो कि करते रहो, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको वैराग्य आ जाए, डिटैचमेंट आ जाए वो करने के बाद, और वो फिर आपका पूरा मन उसमें, उससे मिट जाए, सेक्स से, संभोग से, और फिर जो फिज़िकल नीड के लिए जो टेम्परल हैप्पीनेस आपको मिल रहा था वो आपके मन से वाइप आउट हो गया, और अब आप एंटर करते हो स्पिरिचुअल स्टेज में एवरलास्टिंग हैप्पीनेस के ओर। यही से आपका आगमन होता है स्पिरिचुअल स्टेज में, क्योंकि मैंने पहले ही कहा लस्ट अगर आपने ओवरकम कर लिया तो आपने मोर देन 80% स्पिरिचुअलिटी का जो स्टेज है वो आपने ओवरकम कर लिया, आपने प्रोग्रेस कर लिया। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनका कहने का मतलब था कि संभोग कीजिए, लेकिन बहम मत जाइए उसमें, सेक्स करते करते आप सेक्स कीजिए, लेकिन इंसानों की तरह, नॉट लाइक एनिमल। सेक्स रेप का भी रूप ले सकता है अगर आप वायलेंट हो जाए तो। तो कहने का यही मतलब है कि इतना कीजिए सेक्स, और करते करते वो एक स्टेट आ जाए कि यार कितना करूँ, थक गया, बस अब ये बोर हो गया मैं इससे, अब मन भर गया है, उब गया है, ये जो स्टेट है उब गया है, ये डिटैच स्टेट है, आपका जो माइंड बोल रहा है डिटैच्ड हो चुका है, उसमें फिर कभी मन नहीं लगेगा, और लस्ट को आपने ख़त्म कर लिया। बाद में आप स्पिरिचुअल स्टेज में जाओगे, और आगे चलते चलते प्रोग्रेस करते करते आप समाधि अवस्था तक ईजिली पहुँच जाओगे। ये मेरा बिलीफ है, जितना मैं समझा, जितना मैंने परसीव करने की कोशिश किया, यही मैंने कहा है। इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। ऐसे जो भी कोई फैंस होंगे उनके, या फॉलोअर्स होंगे, डिवोटीज होंगे, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं कोई ग्रेट इंसान नहीं हूँ कि मैं उनके टॉपिक्स पे कमेंट कर पाऊँ। मैं जस्ट, ऐसा मुझे फील हुआ कि ये टॉपिक थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी, तो मैंने जिस हिसाब से मुझे लगा कि जितना हो सकता है मैं अपने हिसाब से क्लैरिफाई कर पाऊँ वो मैंने करने की कोशिश की। तो आई होप ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग सा लगा होगा कि संभोग से समाधि कैसे अचीवेबल है। यही मैंने बताया है। मैं ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते रहूँगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिलाते रहूँगा, बड़े बड़े शंक्स, अलग अलग शंक्स में, वीडियोस में डेमोन्स्ट्रेट करते रहूँगा, उसके बारे में जानकारी आपको देते रहूँगा। कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल, आई एम वेरी हैप्पी आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, माई चैनल इज़ ग्रोइंग, आई एम वेरी हैप्पी, कीप सब्सक्राइबिंग, एंड बेल आइकॉन पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे अपकमिंग वीडियोज़ के। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्णा।